हेलो हेलो भाई, आ जाओ फटाफट। पता है आज मेंढक भी शांत है, लगता है सो गया आज, क्योंकि 4 दिन से किचन करके रखा है ना, थक गया होगा। तो उसके आने से पहले सब लोग आ जाओ, हम लोग अपना काम करके निकल लेंगे। तो आज स्टिल लाइफ का ये तीसरा क्लास है ना? और इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई कमेंट ही नहीं कर रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है कि क्लास कब तक चलना चाहिए, बस स्टिल लाइफ का कितना डेमो होना चाहिए। ऐसा क्या मैं बनाया जा रहा हूँ, आप लोग देखे जा रहे हो, और कितना पेंटिंग बनाना पड़ेगा? क्योंकि 2 मैंने बना लिया है और ये तीसरा है। अच्छा हाँ, इंस्टाग्राम पर अभी बहुत सारे लोग अपना पेंटिंग भेज रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ लोग का काम मज़ा आया देख के, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं यहाँ पे नाम मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि बाकी लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हालांकि लगभग सभी अच्छा बना रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पेंटिंग देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग वीडियो को स्किप करके देख रहे हो, डिटेल्स पूरा देख नहीं रहे हो। अगर आप डिटेल्स देखोगे ना, तो मुझे लगता है कि आपने जो पेंटिंग भेजा है वो और बेहतर हो सकता था। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग वीडियो देखते हैं ना, जितने लोग जुड़े हैं मुझसे, सारे लोग आर्टिस्ट हैं, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे क्योंकि वो वीडियो को देख ही नहीं रहे ठीक से। 2 4 मिनट 5 मिनट वीडियो चला के उसके बाद सीधे लास्ट का देख के कि भाई लास्ट में क्या है, और फिर आप काम कर रहे हो। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये मिस्टेक हो रहा है। ऐसा मत करो, 1 घंटा ईमानदारी से क्लास देखो। अब क्लास को चला के और अपना मटेरियल्स लेके बैठो साथ में, काम करो, ठीक है? चाहे ड्राइंग हो चाहे पेंटिंग हो, आप एक एक चीज को बार बार उसको देखो, 1 घंटा आप कंटिन्यू क्लास करो, उसको देखो ध्यान से कि मैंने कैसे बनाया। मैं सही में बता रहा हूं कि आप बहुत जल्दी इंप्रूव करोगे, क्योंकि मैं बहुत डिटेल्स के साथ कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने का और शेयर करने का, लेकिन आप लोग उस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो स्टिल लाइफ का आज तीसरा क्लास है और आज का जो रेफरेंस है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मैंने कल कहा था कि वाटर कलर में अगर आप अभी सीख रहे हो, तो वाइट और ब्लैक को, ये क्या मेंढक फिर से आ गया क्या? कोई नहीं। तो मैंने कहा था कि वाइट और ब्लैक को अभी अवॉइड करो, आपको अभी यूज नहीं करना है, ठीक है? आप टच के लिए या फाइनल टच के लिए आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें यूज नहीं करना है। अब बात यह है कि अगर आप व्हाइट यूज करोगे नहीं, तो किसी चीज को आप व्हाइट अगर दिखाना चाहो, लाइक अगर कोई जग है, कोई कपड़ा है, या किसी भी चीज को अगर उसको व्हाइट कलर में दिखाना चाहो, तो कैसे दिखाओगे आप? तो भाई क्योंकि व्हाइट यूज करना नहीं है, फिर व्हाइट दिखाना भी है, तो ये तो मसला है। तो उसके लिए समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? और वो चीज आज सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है? देखो स्टील लाइफ पे काम हम लोग जरूर कर रहे हैं, ये तीसरा क्लास जरूर है, लेकिन मैं हर दिन एक ऐसा रेफरेंस सेलेक्ट कर रहा हूं जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिले और आप उस पर फंस के नहीं रहोगे। वो चीज आपको बाद में भी आपका काम आएगा, जो अभी मैं आइडिया बता रहा हूं आपको, ठीक है? क्योंकि अगर आज मैं इस तो वाइट चीजों को बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वाटर कलर में बना सकते हो बगैर वाइट यूज किए, वाइट थिंग्स को कैसे दिखा सकते हो, तो ये चीज आपको बाद में भी काम आएगा। आप किसी कभी जब फिगरेटिव करने लगोगे, लैंडस्केप करने लगोगे, पोर्ट्रेट करने लगोगे, तो ये सब में काम आएगा, ठीक है? तो मैं बहुत सोच समझ कर एक रेफरेंस को सिलेक्ट कर रहा हूं,
ताकि आपको बहुत तरह का हेल्प हो जाए। सिर्फ स्टील लाइफ बना रहा हूँ, स्टील लाइफ बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही तरह का चीज़ मैं बना रहा हूँ और बस वीडियो बने जा रहा है, ठीक है। तो आज का जो रेफरेंस है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और रील्स मैंने जो लिया है, ये देख सकते हो, ये सारा कुछ सब पहले का है, ठीक है। ये मैं रोज़ यही यूज कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि रोज़ाना बताना कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग पहला क्लास या दूसरा क्लास, सेकंड थर्ड क्लास, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो जो लोग नए हों। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मैं हर बार वीडियो में कहता हूँ कि सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो, सभी को हेल्प होना चाहिए, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और उन लोगों को हेल्प हो जाए, बस। क्योंकि क्लास का एक टाइम लिमिट है, 45 डेज तक मैं क्लास आप लोगों को बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। तो आप कोशिश करो कि दो चार लोग को आप भी शेयर करके उन लोगों तक पहुँचा दो जिनको ज़रूरत है, ठीक है। चलो आज का रेफरेंस दिखाते हैं। ये देखो, है ना कमाल। आज बहुत ज़्यादा कोई भी कलर यूज नहीं करना है, ठीक है। आज बाकी सारे कलर को साइड में रखना है, सिर्फ एक कलर से काम करना है, एक से दो बहुत ज़्यादा तो, ठीक है। आज का जो टॉपिक है ना, ये रेफरेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप यहाँ पर देखते हो तो सनलाइट ना एकदम जबरदस्त टाइप का लग रहा है। और ये चीज़ कैसे दिखाना है, बनाने में ये मज़ा भी आएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ड्राइंग करते हैं। अभी देखो, इसको ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ आपको पकड़ना पड़ेगा, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको शायद। सबसे देखो, ये टेबल का कोर है ना, जहाँ से कपड़ा नीचे गिरा है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देख रहा है टेबल में, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, और ये हो गया टूटना शुरू, तो इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले वो लाइन खींच देना है टेबल वाला, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग में देखो, ये जो है ना, यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्ट्स है, तो ये आप, ये काफ़ी दूर में लग रहा है, ऊपर में लग रहा है, ठीक है। तो पेपर का जो डिवाइड आप, हम लोग करते हैं पेपर में जो डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कल मैंने बताया था, तो डिवाइड मैंने नीचे किया था क्योंकि मैंने उसको ज़मीन में रखा था, ठीक है। लेकिन आज क्या है, ये टेबल है और टेबल काफ़ी ऊंचा लग रहा है, तो क्या करना है, ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा, क्योंकि देख सकते हो कपड़ा जो है ना, ये काफ़ी लंबा दिख रहा है ऐसे गिरा हुआ, ठीक है। तो जब तक आप ये ऊपर नहीं रखोगे ना, ये ऊपर नहीं रखोगे टेबल का ये कोर, तो कपड़ा फिर छोटा हो जाएगा। फिर नीचे अगर यहाँ पर टेबल बना दे तो ये छोटा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा देखने में, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको नज़र यहाँ पे देखना है कि ये कहाँ है, ठीक है। स्क्रीन पे देखो कि इधर से कौन सा कम है, यहाँ से यहाँ ये कम है या यहाँ से यहाँ ये कम है। तो ये चीज़ को आप स्क्रीन पे देखना, उसके बाद अपने पेपर में भी देखो। ये पेपर, ये मोबाइल, ये पेपर जो है ना, ये क्या है, इस शेप का है ना, मोबाइल जैसा पेपर, ठीक है। ये बड़ा है, ये छोटा है। तो आपको ये चीज़ ढूंढना है, ये लाइन, और ये चीज देखना है कि नीचे से ये ज्यादा है या इधर से ज्यादा है। और आपको जो समझ में आता है कि हाँ भाई, यहाँ ये चीज मुझे ज्यादा दिखाना चाहिए, तो फिर आपको यहाँ एक लाइन खींच देना है। अब टेबल मैंने बना लिया, अब मुझे ये चीज को यहाँ पे रखना है टेबल में, तो इसको पहले इरेज करते हैं। अच्छा हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर कर देना, ठीक है। ये वीडियो में जो मैं ड्राइंग बनाता हूँ ना साथ में, तो क्या ये मैं पहले ड्राइंग करके रख सकता हूँ, जिससे 5-10 मिनट हम लोग का सेव हो जाए? क्योंकि ड्राइंग,
वीडियो में मैं करता हूँ ना, तो 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता है, वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो जाता है, ठीक है। तो क्या ये सभी को अच्छा लगता है या आप लोग स्किप कर जाते हो उस जगह पे? अगर ऐसा है तो मैं ड्राइंग पहले कर लूँगा और फिर उस चीज़ों को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि मैंने कैसे ड्राइंग किया, कौन सा लाइन पहले खींचा, किसको सबसे पहले बनाया, किसको हाइड किया, ये सारा कुछ मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग ड्राइंग स्किप कर जाते हो तो, और अगर आपको इससे हेल्प हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ड्राइंग आप लोग के साथ में मुझे करना है, या पहले करके भी दिखा सकते हो, बाद में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग देखोगे सारे लोग अपना कमेंट कर सकते हो, सारे लोग बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, ड्राइंग करना चाहिए साथ में या नहीं करना चाहिए, या पहले करके दिखाओ। तो ये कल वाला ट्रिक फिर से अपना लेंगे, पहले एक लाइन खींचना है इसको बनाने के लिए और फिर हाफ हाफ करना है। मुझे लगता है कि ये छोटा हो रहा है, तो सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा, दिख रहा है ना, सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन खींचना है छोटा सा और इसको फिर हाफ ऑफ करना है। देखो ये ट्रिक बहुत ही इजी है ड्राइंग करने का, ये क्या इसका नीव खत्म हो गया, चेंज करना पड़ेगा लगता है। अब इसको हाफ ऑफ करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये है, इसमें ये रखा हुआ है, तो देखो प्रोसेस के साथ चलना है आपको, ठीक है। सबसे पहले ये बना लिया, अब इस पे ये चीज रखा हुआ है, ये जग क्या हो रहा है यार, ये शट, हाँ। तो सबसे पहले पहले ये चेंज कर लेते हैं नींव, फिर काम करेंगे अपन लोग। ये क्या हो रहा है, बाहर क्यों नहीं आ रहा है? सही तो है, कोई नहीं एक और है वो देखते हैं। शिट यार, इसमें भी ये खत्म है। तो जा ये मैकेनिकल पेंसिल है और ये इसका नीव है, ठीक है।
आप लोग ये पेंसिल यूज कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 रुपये का जो आता है। हाँ देखो ये सही है, ये आ गया बाहर। चलो अपना काम तो हो गया, ये भी खत्म हो गया, सिर्फ एक बचा हुआ है फिलहाल, अभी के लिए सही है। हाँ तो कहाँ थे हम लोग, तो ये बनाना है सबसे पहले, अभी ये जग को यहां रखना है। तो क्या करना है, एक लाइन खींचो और अभी हाफ हाफ करो, वैसे पता है ये थोड़ा सा आज ज्यादा चैलेंजिंग है आज का रेफरेंस जो है, क्योंकि वाइट कलर है इसमें बहुत ज़्यादा कोई कलर नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग अच्छा कर लोगे, क्योंकि इंस्टाग्राम में जितने लोग मुझे अपना आर्टवर्क भेज रहे हैं, मुझे मज़ा आ रहा है देख के, अच्छा लग रहा है यार, सब लोग अच्छा करते हैं, सबका काम अच्छा है। मुझे लगता है कि ये 45 डेज में और अच्छा पकड़ हो जाएगा वाटर कलर पर। अच्छा है, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग इम्प्रूव कर जाओ बस, ये मेरा 45 दिन बेकार नहीं जाना चाहिए। बस आप लोग ध्यान से सीखो, मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में जो भी मैसेज करना है करो, यूट्यूब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कमेंट में आप मुझसे बात नहीं कर सकते, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जाके मैसेज करो, जो मुझे पूछना है मैं रिप्लाई करूँगा ही आपको, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं तुरंत आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, क्योंकि हो सकता है मैं उस वक्त बिजी रहूं, लेकिन आप मैसेज करके छोड़ देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा आपका मैसेज देखने के बाद। क्योंकि आज के कमेंट्स में बहुत लोगों ने पूछा है कि भाई मुझे कुछ पूछना था सर आपसे, पूछो ना, मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो चाहता हूँ कि लोग मुझसे जुड़े, पूछे, डिस्कस हो, लेकिन लोग पूछेंगे तब तो, किसी को तो टाइम ही नहीं है वीडियो देखने का, तो टाइम ही नहीं है किसी को। देखो इसके बाद ना ये वाटर कलर क्लास है, अगर ये क्लास ठीक ठाक रहा ना तो नेक्स्ट बार हम लोग एक्रेलिक पे भी कर लेंगे, है ना। अगर ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं ना, अगर मुझे समझ आया कि हाँ लोगों को सही में जरूरत है, तो नेक्स्ट बार एक्रेलिक पे फ्री करेंगे, ठीक है। तो जो एक्रेलिक करना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। और करना क्या चाहते हैं, आपको सभी मीडियम में काम करना चाहिए, सभी मीडियम को जानना चाहिए, ठीक है। बाद में आप डिसाइड कर लेना कि आपको काम किस पे करना है, वाटर कलर पर या ऑयल पर या एक्रिलिक पर, लेकिन अभी आपको सभी मीडियम को जानना बहुत जरूरी है। तभी आपका बेस मजबूत होगा। तो देखो ये ड्राइंग है, इसको मैंने क्या किया, हाफ हाफ किया, इस पे ये चीज देखा आपने, इसको मैंने सीधे यहां से हाफ किया, ठीक है। पहले ये बनाया और इसके ऊपर इसको रखा,
क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग में भी यही है ना। अभी क्या करना है, कपड़े का फोल्ड बनाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ये चीज़ आया हुआ है। अब देखो ये टेबल है ना, टेबल का ये कोर है, तो ये चीज़ सीधे यहीं पे नहीं रख देना है, ये टेबल के पीछे रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस देखो कितना है ना, इसका डिस्टेंस देखो कितना है, और ये पीछे का हिस्सा है जहाँ पे ये खत्म हो रहा है टेबल, तो ये चीज सही होना चाहिए। ड्राइंग सही होगा तो पेंटिंग करने के बाद मजा आएगा, और ड्राइंग अगर ठीक नहीं है तो चाहे जितना अच्छा पेंट कर लो वो मजा नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखो कपड़े का फोल्ड बनाना है, और इसके लिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इसको करने का कोई ट्रिक नहीं है कि आप ये कर लेना सही हो जाएगा, आप ये कर लेना ये सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे कपड़े का फोल्ड को देखना है, काउंट करना है कि भाई कितना है, ठीक है। चलो एक दो कम भी कर दो अपने कंफर्ट के हिसाब से कि चलो ये मैं कम कर देता हूँ, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं मारना है। तो अगर ड्राइंग में कोई ट्रिक अपना के किया जाता है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन जो नहीं है, जो आपको हर हाल में वही टेक्निक अपनाना पड़ेगा जो रेफरेंस में आप देख रहे हो, और वहाँ पे ज़रूरत सिर्फ ये है कि आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, फोटो को पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे कोई ज़्यादा बुद्धि चलाने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं आने वाला है। चलो यहाँ पे एक दो फोल्ड अगर हम कम भी कर लेना, क्योंकि देखो ये डेमो है और इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स अगर हम करने लगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग ऐसे भी वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देख पाते हो, तो क्या 1.5-2 घंटे अगर हो जाए तो क्या देखोगे? अच्छा कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने लोग वीडियो को कंप्लीट देखते हो, बिल्कुल ईमानदारी से क्लास करते हो, ठीक है। मैं भी तो जानूं, क्योंकि काम सारे लोग अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी पेंटिंग ऐसा क्यों आ रहा है, जबकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कोशिश मैंने अपना किया है कि भाई आप अच्छे से समझ जाओ, उसके बावजूद भी पेंटिंग ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है, अब ये पीछे का है। चलो पीछे तो शेडो है किसी चीज का, यहाँ पे शेडो गिर रहा है। अच्छा एक दो चीज को अगर आप हाइड भी कर दो ना तो उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको इतना ज्यादा भी हाइड नहीं कर देना है अपना शॉर्ट मारने के चक्कर में कि पेंटिंग ही खराब हो जाए। तो ये हो गया। अभी क्या करना है, सबसे पहले इसको वॉश करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो वॉश करने के लिए मैं ब्रोस्ट्रो यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बार बार मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ जो वीडियो में नए आए हुए हैं, क्लास जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वॉश करना है, हालांकि मैं यहां पे चाहूं तो फ्लैट ब्रश से भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे ब्रोस्ट्रो मजा आता है इससे करने में, क्योंकि ये ब्रश ना पानी ज्यादा लेके उठता है तो एक बार में काफी एरिया को कवर कर लेता है ये। क्लास को अपना वीडियो चलाओ और साथ में काम करो, ठीक है, अगर सीखना चाहते हो तो। उसके बाद अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आया ना तो कमेंट में आके बोलना।
ठीक है, आप अपना 100% दे के तो देखो, फिर देखो कैसे नहीं सीखते हो। देखो जो लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं ना, क्लास स्किप जो लोग कर रहे हैं, वो खुद से बेईमानी कर रहे हैं, क्योंकि वो पेंटिंग भी सीखना चाहते हैं, टाइम भी पूरा नहीं देना चाहते हैं, तो मतलब क्या हलवा है क्या भाई? टाइम तो देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको। तो ये देखो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, अभी थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करने देते हैं पेपर को, ठीक है। अभी पानी पूरा ऊपर में है, पेपर के ऊपर में है, अगर इस पे अगर कलर करो ना, इस पे अप्लाई कर दो तो स्पॉट करेगा, है ना, क्योंकि पानी ऊपर में है। पहले इसको खींचने दो ना। अभी देखो क्या होता है कि पेपर जब पानी को खींचता है ना मजे से करके, तब बस फटाक से अपना काम करके निकल जाओ, ठीक है। तो टाइमिंग आपको बस समझना है कि अभी ये पीने में मस्त है, अभी खींच रहा है ये पानी को, पानी अब पेपर के ऊपर नहीं है, ठीक है। अब पेपर में लास्ट स्टेज में बचा हुआ है पानी, जहां पर हमको काम करके निकलना है। अगर वो खींच कर ड्राई कर देता है ना, तो फिर से पेंटिंग खराब होगा। तो ये चीज है, क्योंकि अभी इस पे छेड़ना बेवकूफी है, स्पॉट करेगा, सारा पेंटिंग खराब कर सकता है ये, ठीक है। और वॉश करने के बाद आप, जैसा मैंने कल बताया था कि ड्रायर मैंने यूज किया था, लेकिन वॉश करने के बाद आप ड्रायर मत यूज करना, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो। देखो वेट एंड वेट काम करने का मतलब है कि पेपर में नमी रहना चाहिए, पानी नहीं, ठीक है। बहुत से लोग इसी चीज पे कंफ्यूज है कि वेट एंड वेट जब मैं काम करता हूं तो स्पॉट क्यों हो जाता है, वो बादल क्यों बन जाता है। तो वेट एंड वेट काम करने के लिए पेपर में नमी चाहिए हम लोगों को, पानी नहीं चाहिए। पेपर के ऊपर अगर पानी होगा तो पेंटिंग नहीं बनेगा, ठीक है। पेपर स्मूथ होना चाहिए, जब उस पर आप कलर अप्लाई करो ना, तो वो स्ट्रोक उसका बिल्कुल सही है, स्प्रीड कर सके कलर, ठीक है। आप यहां पे कलर अगर दो तो वो चारों तरफ फैल सके अच्छे से, ना कि ऊपर पानी के ऊपर आके बैठ जाए, तो वो क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा। और वो जहां जाओ फिर वो जब वाटर ऑब्जर्व कर लेगा ना, तो क्या होगा, कलर चारों तरफ वो बैठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा दाग आ जाएगा उसमें, गोल सा, ठीक है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा दाग आ जाएगा, सर्कल बन जाएगा, तो वो होता है स्पॉट कर जाता है। तो वेट एंड वेट काम करने का तरीका समझो कि वाटर को पहले ऑब्जर्व करने देते हैं पेपर को, ठीक है। वैसे वेट एंड वेट भी हम लोग काम करेंगे, और उस पर भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे वेट एंड वेट काम किया जाता है। अभी तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीका अपना रहे हैं वाटर कलर की, जो जो बेसिक है इसको जानना पहले जरूरी है ना। तो एक एक स्टेप करके हम लोग बढ़ते जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी मैं टाइम दे रहा हूं ना, उसमें मुझे जो नॉलेज है मैं आप लोगों को शेयर करके ही जाऊं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं बस आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखो, ठीक है, स्किप मत करो, 1 मिनट भी स्किप मत करो, पूरा देखो, ठीक है। वीडियो का बहुत पार्ट ऐसा होता है जहां पे आपको मजा नहीं आ रहा हो, या फिर इरिटेट लग रहा है कि चलो यहां से निकल लेते हैं, ठीक है। अगर वहां पे बहुत काम का चीज नहीं है तो आप निकल जाओ, स्किप कर लो थोड़ा सा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ये यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमको समझना जरूरी है ताकि ये बाद में मेरा काम आ सके, तो फिर क्यों निकलना है, क्यों स्किप करना है, सीखना ही तो है। आप कहाँ ज्वाइन करोगे क्लास, फिर कब देखोगे, किसका वीडियो देखोगे, कब तक स्किप करोगे किसी का वीडियो को, क्लास कब तक स्किप करोगे? ठीक है, चलो देखो ये थोड़ा सा
ऑब्जर्व कर लिया है और मुझे लगता है कि थोड़ा इस पर टाइमिंग चाहिए इसको थोड़ा ज़्यादा, कोई नहीं ट्राई करके देखते हैं, है ना। तो आज का जो कलर है ना, सिर्फ एक दो कलर से ही काम करेंगे हम लोग। और यहाँ पर रेफरेंस अब साथ में देखो, ठीक है। वैसे पता है रेफरेंस जो है ना आज का, मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चीज़ मुझे देख के लगा था कि मैं आप लोगों को इस पेंटिंग में एक बार में बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, लाइक स्टिल लाइफ कॉम्पोजिशन, वाइट को कैसे हम लोग दिखा सकते हैं सिर्फ थोड़ा बहुत कलर करके। तो ये सब इसमें तीन चार चीज़ें हैं जिसको इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि भाई ये शेयर कर देते हैं आप लोगों से। तो चलो सबसे पहले ये पार्ट को, ये इस पोर्शन को बनाते हैं। इसके लिए क्या करना है, थोड़ा ब्लैक लेना है। देखो कितना कम मैंने लिया ब्लैक, ठीक है, और कोबाल्ट ब्लू लेना है। अब जब ये दोनों को कलर को मिक्स करोगे तो ये क्या करेगा, कोबाल्ट ब्लैक को ऑफ करता है और ब्लैक कोबाल्ट ब्लू को ऑफ करता है, ठीक है, और एक शेड्स वाला कलर बनता है। बहुत ही लाइट रखना है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं। और यहां पर अप्लाई करना है, इस तरह का फ्लैट ब्रश यूज करना आप। और देखो छोटा छोटा स्ट्रोक नहीं लगाना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आपको बाद में बहुत काम आने वाला है, एक मिनट भी स्किप मत करना यहां पर, ठीक है। अभी क्या करना है, यहां से वाटर को रिमूव कर लेना है। ये क्यों कर रहा हूं मैं कि यहां पर कलर नहीं आना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर यहां पे कलर लग जाता है तो ये चीज जो हमको व्हाइट दिखाना है, बहुत ज्यादा व्हाइट नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहां पर अगर कलर लग के वो ड्राई हो जाएगा तो व्हाइट जो है ना मेरा पेपर वो ऑफ हो जाएगा वहां पर। इसलिए यहाँ पर आपको डिटेल्स थोड़ा सा कर लेना है और बिल्कुल पॉइंटेड ब्रश के साथ करना है। और ये जैसे थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करता है ना फिर से, तो एक लेयर फिर से लगाएंगे हम लोग। तब तक क्या करते हैं, कोबाल्ट ले लो फिर से थोड़ा, और देखो ये चीज को ध्यान से देखना, ये जो जग है ना इसका शेडो यहां पे गिरा है, ठीक है, तो सनलाइट कहां से आ रहा है, यहां से सनलाइट यहां से आ रहा है, ठीक है, तभी इसका शेडो बिल्कुल बराबर है और इसका और शेडो का हाइट, ठीक है, दोनों बराबर है। क्यों, अगर यहाँ सनलाइट अगर यहां से आता ना तो शेडो इधर गिर जाता, अगर यहां नीचे से आ रहा होता, ठीक है, किसी बल्ब का या किसी चीज का फोकस यहां पे कर रहा होता तो ये शेडो क्या होता, ये बड़ा लगता। लेकिन बराबर है, कहने का मतलब है कि सेम एंगल है यहां का बीच से, ठीक है, तभी दोनों का हाइट बराबर है। तो इधर वाला पार्ट इसमें क्या होगा, शेड्स वाला कलर होगा। और यहां पे इसको हाईलाइट रखना है, ठीक है, तो देखो ये कैसे फैल रहा है अभी ये। और बिल्कुल लाइट कलर रखना है आपको, ठीक है, ये सारा चीज आपको व्हाइट दिखाना है,
कलर आपको यूज नहीं करना है, ये सिर्फ एक शेड्स वाला कलर हम बना के यूज कर रहे हैं कि वाइट चीजों पर कौन सा शेड्स का होता है कलर, ठीक है, क्योंकि वो डार्क ब्लैक तो नहीं हो सकता, रेड वो रेड तो नहीं हो सकता। और जहां पे ये फैल जाता है आपको टिश्यू यूज करते रहना है, आज बहुत काम आने वाला है ये चीज, टिश्यू पेपर। अभी चलो इधर, तब तक नीचे में बनाते हैं और इस पे थोड़ा सा ज्यादा ब्लैक लेते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ चाहिए, तो ये आपको यहां पर टिश्यू आपको बहुत यूज होगा आज, बस इसको फिर भी थोड़ा सा टाइम देते हैं और ड्राई होने का। हाँ ये सही है, ब्लू इधर ये थोड़ा ना ये इस एरिया पे अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है, ड्राई नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइमिंग अच्छा रखना है, तो इधर लगता है कि ज्यादा थोड़ा ज्यादा मॉइस्ट हो गया था जिसकी वजह से ये। और ये देखो कलर को कैसे मर्ज करना है, आपको बस पानी के साथ ब्रश को चलाना है और उस पे आपको कलर नहीं रखना है ब्रश में, जब आप उसको मर्ज करना चाह रहे हो तो। यहाँ पे देखो ये ज़्यादा फैल जा रहा है ना, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से इसका टाइमिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा जल्दबाजी कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा टाइम देते हैं तभी डिटेल करेंगे। तब तक इसको अच्छे से मर्ज करते हैं और आपको पता है ये चीज इतना इंटरेस्टिंग है ना, अगर वाटर कलर से अगर आप देखो व्हाइट यूज करना भी नहीं है लेकिन व्हाइट चीजों को दिखाना भी है, अगर आप ये चीज अगर समझ जाते हो ना तो बहुत मजा आता है पेंटिंग करने में। अगर आप ये बैलेंस कर लोगे ना तो फिर ज्यादातर आप वही यूज करोगे, चलो मुझे इसको व्हाइट दिखाना है, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग ज्यादा होता है ये चीज, क्योंकि अगर देखो वाटर कलर में तो क्या है कि अगर थोड़ा सा अगर अनबैलेंस हुआ ना तो पेंटिंग खराब हो जाता है, फिर से ड्रॉइंग करने का चक्कर हो जाता है। लेकिन ये चीज ऐसा है ना कि अगर आप थोड़ा सा कलर मिस्टेक कर जाते हो तो फिर से पेंटिंग करना पड़ जाता है आपको। ठीक है, आपको बहुत ही कंसंट्रेट के साथ करना पड़ता है, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, मुझे बताना है कि कैसे करना है, तो भाई मुझे दोनों करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल शांत होकर अगर काम करूं तो फिर आप कैसे समझोगे कि मैं लाइट क्यों कर रहा हूं, मैं डार्क क्यों कर रहा हूं। लेकिन आप जब करोगे ना तो अच्छे से करना, कंसंट्रेट के साथ करना, बिल्कुल ध्यान से।
और आज कोई कलर चाहिए नहीं। आज सब छुट्टी पे हैं। तो ये थोड़ा सा ड्राई हो गया, देखो इस पे अब मैं काम कर सकता हूँ। तो क्या करना है, ब्लैक लेना है थोड़ा सा और ब्लू। अच्छा हाँ, मैं थोड़ा सा ड्राई होने के लिए जो टाइम लेता हूँ ना, तो ड्रायर वगैरह यूज कर लेता हूँ। ड्राई अपन ड्रायर यूज कर सकते हो, या फिर मैं ऐसे फैन ऑन करके छोड़ देता हूँ, तो उस वक्त मैं कैमरा ऑन नहीं रखता हूँ, वो चीज़ दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है मुझे लगता है। तो मैं खुद चाहता हूँ कि हर किसी का टाइम बचे। ठीक है, तो चलो अब इस पे सबसे पहले करते हैं। ये रेफरेंस में देखो ये क्या है, इस एरिया को पहले डार्क करते हैं क्योंकि यहाँ पे शेडो आ रहा है कहीं से। अभी कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता, लेकिन आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा कलर चल भी जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं इसके हैंडल में, क्योंकि वहाँ पे ऐसे भी डार्क कलर है। देखो मैं फ्लैट ब्रश कैसे यूज कर रहा हूँ और मैं अपने ब्रश पे कितना ज्यादा कलर ले रहा हूँ कि एक स्ट्रोक के साथ मैं सीधे एक बार में पूरा कर रहा हूँ। बस ये चीज अगर समझ में आ गया ना आपको कि स्ट्रोक कैसे लगाना है या ब्रश में कितना कलर उठाना है, ये पेंटिंग ना स्मूथ वाटर कलर करने का सबसे मेन तरीका वही है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है जिसको आपको जानना है कि आप कैसे बिल्कुल। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा टिश्यू से उठाना पड़ेगा क्योंकि ये लाइट रखना है यहाँ पे। क्या हो रहा है गले पे, ठीक है तो ये पार्ट को थोड़ा सा लाइट रखते हैं और इधर डार्क कर लेंगे। चलो थोड़ा सा ब्लैक यूज कर लेते हैं और कोबाल्ट भी यूज कर लेते हैं, दोनों थोड़ा डार्क टोन बनाते हैं, ठीक है, ताकि जो मेरा व्हाइट है ना वो निकल कर बाहर आए। अभी तो इधर ही रुक, फैलेगा नहीं। ठीक है, अभी क्या करना है, अब इधर चाहिए मुझे, अब यहां पर देखो एक यहां पर एक हार्ड लाइट है, शेडो सॉरी, जहां पर कोई मिक्सिंग नहीं है कलर, कोई टोन नहीं है यहां पर, ये मैं इसका बात कर रहा हूं। ठीक है, ये बिल्कुल लाइनिंग के साथ दिख रहा है, तो इसको आपको उसी तरह बनाना पड़ेगा। और सेम चीज इधर भी है, लेकिन ये थोड़ा लाइट है क्योंकि इधर जब बहुत ज्यादा लाइट नहीं पड़ रहा है तो इधर शैडो भी कम गिरेगा। थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसे अभी फिनिशिंग होगा ना तो डिटेल्स में थोड़ा सा वो बैलेंस हो जाएगा जो भी बाकी है। और अब इधर जो हार्ड शेडो जो गिर रहा है ना, जैसे हार्ड लाइट यहाँ पे पड़ रहा है बिल्कुल, तो उसमें क्या है कि शेडो का जो ये देख सकते हो एक लाइनिंग दिख रहा है क्योंकि इसका शेडो इधर गिर रहा है, जो कपड़े का फोल्ड हो रहा है इस तरह से राउंड है, तो इसका शेडो यहाँ पे गिर रहा है। तो क्या करना है आपको, आपको ये चीज को बस ध्यान में देखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है।
यही चीज आपका पेंटिंग को अच्छा बना सकता है और यही चीज दिखा सकता है कि आप बिगिनर्स हो। आप डिसाइड कर लेना कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। छोटे छोटे स्ट्रोक नहीं लगाना है, ठीक है? इस तरह नहीं कि एक बार थोड़ा सा कलर लिया फिर यहाँ से मैंने लगाया फिर लिया फिर, तो वो क्या होगा, रफ होने लगेगा। शेडो ऐसा नहीं होता है, शेडो का कलर एक जैसा होता है। आप जब कहीं पे खड़े हो जाओगे ना तो परछाई, अपना परछाई देखना, ऐसा होता है क्या कि कहीं पर डार्क दिख रहा है कहीं पर लाइट दिख रहा है? ऐसा कभी नहीं होता है। सिर्फ तो आपको एक बार ब्रश में लेना है और उसको स्ट्रोक के साथ पूरा कर देना है, ठीक है? वो होगा नेचुरल। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ मुझे ये चीज़ दिखा नहीं, यहाँ पे पहले पानी पड़ा था, ठीक है? एक बूंद पानी गिरा हुआ था और इस पर मैंने कलर लगा दिया। अभी ये देखो कैसे स्पॉट किया है, ये क्यों स्पॉट किया? क्योंकि पानी पेपर के ऊपर था, है ना? वैसे ये बहुत छोटा है, ये हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसको तो यूं कर लेंगे। चलो अभी थोड़ा इधर, उसके बाद कौन सा है, ये वाला, इसका शेडो जो है यहां से दिखेगा, ये यहां से लाइन गिर रहा है, नीचे आते आते ये कम हो जा रहा है। शिट यार क्या हो गया, ये नीचे आते आते कम हो जा रहा है ऐसे। इधर अभी भी ना अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है, हम लोग जब फिगर पे काम करने लगेंगे ना तो और मजा आएगा, क्योंकि उस पे बहुत ज्यादा ये काम को बहुत ज़्यादा करेंगे हम लोग, ज़्यादा वाइट चीज़ दिखाएंगे, वाइट कपड़ा बनाएंगे, कभी कुछ और बनाएंगे, बैकग्राउंड वाइट बना लेंगे, ठीक है? ये सिर्फ इसलिए ना कि ये थोड़ा चैलेंज है और ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको समझ जाओ, ये चीज़ आप अच्छे से सीख जाओ, तो इसलिए इस पे ज़्यादा काम करेंगे हम लोग। और कोई नहीं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में अपना पेंटिंग भेजते रहना ना, करेक्शन होते रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में सीख जाओगे, ठीक है? डिमोटिवेट नहीं होना है, एक ही बार में सीख जाओगे ऐसा भी नहीं है। लेकिन अभी तो मैंने कहा है कि मैं गाइड कर दूंगा, तो आप लोग बना के मुझे भेजो ना, पेंटिंग भेजो मुझे इंस्टाग्राम पर, ठीक है? देखो धीरे धीरे पेंटिंग कैसे निकल कर बाहर आ रहा है, ठीक है? अभी जो लोग स्किप किया वीडियो को, क्या वो लोग को ये चीज समझ आ रहा है? मुझे नहीं लगता, वो लोग चूक गए होंगे। तो ये नुकसान होता है ज्यादा होशियारी का, है ना? और कहाँ पे चाहिए? और देखो ये सब जगहों पे छोटा छोटा फोल्ड है कपड़े का, है ना? लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर मैं इसको अभी छेड़ू ना तो ये ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये अच्छे से ड्राई हुआ नहीं है, फैल रहा है। ओह ये तो ले रहा है, इसका शेडो भी यहाँ पे गिरा हुआ है, ये कपड़ा है और ये कपड़ा यहाँ पे फोल्ड है, तो क्या इसका शेडो थोड़ा सा, ये क्या कर रही है यहाँ?
चलो यार, तो इसका शेडो देखो यहां पे थोड़ा सा गिर रहा है, ये चीज देखो मेरे ब्रश में जो भी कलर है ना यहाँ पे, देखो कोई कलर ही नहीं है यहाँ पे, कोई कलर नहीं है। कौन सा कलर है कोई कमेंट करके बताएगा कौन सा कलर है यहाँ पे, लेकिन फिर भी काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे व्हाइट दिखाना है, व्हाइट चीजों को बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं। ठीक है, अगर इससे ज्यादा डार्क किया ना तो पेंटिंग को वो ले बैठेगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि आज बहुत ही केयरफुली काम करना पड़ रहा है भाई। ठीक है, टाइमिंग आज का थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंज है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज का वीडियो ज़्यादा चैलेंजिंग है। अच्छा हाँ, ये चीज यहाँ से यहाँ आ रहा है, का शेडो यहाँ पे गिर रहा है और ये यहाँ से यहाँ गिर रहा है। कलर खत्म हो गया तो थोड़ा फिर से बनाना पड़ेगा। अच्छा, आपको पूरा नीचे तक पूरा खींच के नहीं लाना है डिटेल्स के लिए। ठीक है, आप आधे दूर तक करना, छोड़ देना। अब यहाँ अगर डिटेल्स यहाँ पे नीचे करने लगोगे ना तो पेंटिंग यहाँ आपका नजर नहीं जाएगा और फिर यहाँ देखने लगोगे, इसलिए इधर नहीं करना। आपको जो डिटेल करना है इसे एरिया पे करना है। ठीक है, अभी आप देखो पेंटिंग को जब देख रहे हो ना तो यहाँ दिख रहा है। ये हो गया, अभी देखो इसको बिल्कुल ब्राइट रखना है, इस एरिया को बिल्कुल ब्राइट रखना है। तो क्या करना है, अगर इस एरिया को आप यहाँ पे देखो कितना ब्राइट लग रहा है ये चीज, ठीक है, तो यहाँ हम लोग को भी चाहिए ब्राइट। तो अभी क्या करना है, नीचे से थोड़ा ऑफ करेंगे कलर व्हाइट को। लेकिन इस बार ब्लू ज्यादा यूज होगा। ठीक है, नीचे में जो व्हाइट पेपर लग रहा है ना इसको ऑफ कर देना है, कलर इस पे करना नहीं है आपको, पेपर का जो व्हाइट है ना कलर इसको सिर्फ आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, अभी जब इसको ऑफ करोगे ना यहाँ पे व्हाइट बच गया, अभी देखो अभी यहाँ पे व्हाइट रह गया। तो अभी आप यहाँ देखना भी चाहोगे ना तो आपको नजर खींच के यहाँ लेके आएगा कि चल इधर आ। ठीक है, क्योंकि ये एरिया ब्राइट हो गया, हम लोग हमेशा उसको ज्यादा देख पाते हैं जहां पे सनलाइट होता है। ठीक है, और अभी ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है ना तो मजा आता है काम करने में। लेकिन चलो मग पे करके, जग पे करके देखते हैं क्या है, मग है जग है जो भी है, मेरे लिए एक पेंटिंग है और एक लाइट कलर, इसका शेड्स बन रहा है इधर क्योंकि ये राउंड है, और इसको ब्रश को क्लीन करके इसको ऐसे खींच लेना है बस। वैसे अभी जब इस पर डिटेल्स बनेगा ना तो ये बहुत मजा आएगा, अभी देखना। अब इस पर हम लोग डिटेल करके निकलेंगे कि
शायद यही फाइनल राउंड होगा, इसके बाद ट्राई करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर पहले से थोड़ा सा शेडो है, पहले से किसी चीज़ का शेडो गिरा हुआ है इस पे पर्दे पर, लेकिन उसके बाद भी जहाँ पे फोल्ड है कपड़े का वो थोड़ा सा सेम कलर के साथ डार्क आपको करना है ताकि फोल्ड समझ में आना चाहिए। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर देना है बस आपको, और इस पे इतना ज़्यादा इधर के काम पे इतना ज़्यादा आपको लजना नहीं है, इसको दिखाना ही नहीं है, ये हाइड है। और इधर बहुत ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, चलो इस पे फाइनल राउंड जो है ये सब का फाइनल राउंड करके अब निकलेंगे, इसके बाद लेयरिंग का ज़रूरत नहीं है। अभी देखो ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ना, इससे देखो कलर टोन कैसे बन रहा है, कलर वॉल्यूम जिसको बोलते हैं। देखो ये चीज़ डार्क हो रहा है, उसके बाद ये डार्क है और धीरे धीरे ये लाइट होता जा रहा है, ये बिल्कुल ब्राइट है जहाँ पे वाइट है। ठीक है, अभी ऐसा क्या तब मज़ा आता कि अगर सीधे मैं डार्क करता उसके बाद सीधे ब्राइट हो जाता, नहीं ना, एक वॉल्यूम समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इस तरह से करना होगा। क्योंकि अगर आप लाइट की तरफ जा रहे हो ना तो धीरे धीरे करके लाइट की तरफ जाना है, ऐसा नहीं कि एक बाइक आप फट से पहले डार्क थे उसके बाद सीधे लाइट पे चले गए, ऐसा नहीं है। कलर खत्म हो रहा है, ये वाला एरिया ये डार्क है, इसका शेडो यहाँ पे गिर रहा है, एंड ये भी और ये वाला। ठीक है, अब चलो इसको इसका शेडो गिराते हैं हम लोग। तो ये चीज़ को ध्यान से देखो, ये एरिया ये थोड़ा डार्क करेंगे, ठीक है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे डार्क करेंगे ना ये शेडो जो है इसको बाहर निकालेगा ड्राइंग को। यहाँ पे कोई लाइट नहीं रखना है क्योंकि इसके जस्ट पीछे यहाँ पे सनलाइट आने का इतना सामने कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एक लाइन जैसा होगा जो हम इसलिए रखेंगे ये समझाने के लिए कि शायद वहाँ पे कपड़े का फोल्ड है, सनलाइट नहीं है। और ये वाला पहले इसको करते हैं, इसको लेके हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है, एक स्ट्रोक के साथ खींचना है बस, इस पे
पे डार्क लाइट करते नहीं रहना है। ठीक है, अभी इसका शेडो यहां पे गिराते हैं। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है ना, त्रिभुज जैसा यहां पे लग रहा है, लेकिन इसका शेडो जब हम यहां पे गिराएंगे ना, तो ये यहां के मिल जाएगा। ये देखो यहां पर, चलो करते हैं पहले। लेकिन यहां पे टच करने से क्या दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं। चलो यहां पे डिटेल करते हैं हम लोग। तब तक अभी ये शेड्स वाला कलर आएगा। यहां पर देखो कैसे कलर वॉल्यूम बन रहा है। सबसे पहले मैंने लाइट ब्लू यूज किया था, कोबाल्ट थोड़ा सा, ठीक है। और अभी ये धीरे धीरे इधर जाते जाते ये बिल्कुल ब्राइट हो रहा है, और ये सब जगह में थोड़ा सा ये डार्क होगा, क्योंकि क्योंकि ये जब जो है ना, इसका बनावट जो बिल्कुल ऐसा राउंड होता है, गोल जैसा होता है, तो जहां पर ये गोल ये बाहर निकला हुआ होता है ना, वहां पे सनलाइट ज्यादा पड़ता है और वो चमकता है। ठीक है, अभी इसके हैंडल पे हम लोग काम करेंगे, और इसके लिए मुझे मजा आएगा, थोड़ा सा फ्रेंच अल्ट्रामरीन यूज करेंगे हम लोग। ये फ्रेंच अल्ट्रामरीन आपको आपके सेट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको अलग से लेना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत काम का कलर है, ये चीज आप जरूर ले लेना। थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कर रहे हैं इस पे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल डार्क चाहिए, वहां पे देख सकते हो हैंडल में कौन सा कलर है। ठीक है, तो ये कलर चाहिए हमको, तो बिल्कुल डार्क करके हम करेंगे, और ये चीज अच्छे से ड्राई है ना, तभी मजा आएगा। डायरेक्ट हम अल्ट्रामैरिन दे तो क्या मजा आएगा, चेक कर लेते हैं पहले। यहां पे करते हैं, मैच करेगा नहीं, थोड़ा सा डार्क ही चाहिए। चलो ये करते हैं, आपको थोड़ा सा अल्ट्रामैरिन के साथ थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कर लेना है। और अब इसका हैंडल, अब मुझे यहां पर देखना है कि कहां कहां पे सनलाइट जहां पे पड़ रहा है ना, वहां पे हम व्हाइट रहने देंगे। वहां पे राउंड है, तो यहां पे थोड़ा सा पतला होगा ये चीज। और ये हैंडल में ना थोड़ा सनलाइट पड़ रहा है, तो इसको व्हाइट रहने देते हैं। ये हो गया, और कहां पे चाहिए, और ये भी, तो ये ब्लू वाला ये इधर ही से दिखेगा बस, आपको इस इधर नहीं करना है, पीछे नहीं करना है आपको, ये हैंडल पूरा नीचे तक आएगा। ठीक है, अब ये हो गया, अब इसका शेडो बनाते हैं हम लोग। तो ब्लू के साथ सेम कलर के साथ मिक्स कर देना है, और इसका शेडो जो है ना वो थोड़ा सा नीचे गिरेगा, देखो। और इधर आके ये राउंड हो जाएगा, और इसको अच्छे से मर्ज कर देना है बस। ठीक है, तो ये हाईलाइट हो गया इधर,
और अभी क्या करना है, ये जग का शैडो इसमें गिर रहा है थोड़ा, तो इसको यहाँ से कवर करते हैं, ये लाइट रहेगा। और ये पोर्शन, ये थोड़ा सा वाइट को ऑफ कर देना है आपको बस। और अब इसका शेडो बनाएंगे, तो क्या करना है, ब्लू लेना है थोड़ा सा, और इसका देखो ये चीज आपको बिल्कुल ब्रश से अच्छे से करना है, यहां से आके ये मिल जाएगा, ठीक है, ये बीच में गैप होगा और ये यहां आके मिल जाएगा क्योंकि यहां पे शेडो गिर रहा है इसका। और अभी इस पे कलर भर देंगे। पूरा कवर कर लेते हैं। ये ठीक है, शायद आप लोगों को बराबर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है सामने में, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जा रहा है क्योंकि अभी ये गीला है ना, तो लेकिन ये जैसे ड्राई होगा ना आप लोगों को बहुत क्लियर दिखेगा ये चीज़। और इधर थोड़ा सा इसका शेड्स बढ़ाएंगे हम, और बाकी इसको ऑफ करते हैं इसका वाइट को, और हाईलाइट ढूंढते हैं कि हाईलाइट कहाँ पे चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक हाईलाइट चाहिए हम लोगों को, पेपर को ऑफ कर देना है बस। ठीक है, ये अभी ये ड्राई होगा फिर ये मजा आएगा। चलो ये थोड़ा ड्राई होने देते हैं, फिर डिटेल्स पे करते हैं। तो अभी क्या करना है, ये जो इसका हैंडल है ना, इस पे अभी हम लोग को सेट्स बनाना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेयर मैंने कर दिया इसमें, बिल्कुल अल्ट्रा मैरिन मैंने अप्लाई किया है, इसमें देख सकते हो हाईलाइट मैंने इसमें छोड़ दिया है। अब मुझे इसमें सेट्स बनाना है जहाँ पे डार्क होगा। तो देखो यहाँ पे जो कलर है, यहाँ ब्लू के साथ मैंने, अल्ट्रा मैरिन के साथ मैंने थोड़ा सा ब्लैक मिक्स किया था जो मेरे पास है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ये चीज़, तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे सनलाइट नहीं होगा तो ये डार्क होगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जहाँ पे ये राउंड हो रहा है वहाँ पे लाइट होगा, ठीक है, और ये नीचे वाला ये डार्क होगा। ठीक है, और इधर भी और इस पे ये, ठीक है। अच्छा ये यहां पर देख सकते हो, रेफरेंस में देख सकते हो, इस एरिया पे देखो काफी ज्यादा डार्क लग रहा है ये वाला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको देखोगे ना तो ये डार्क है, और इसके चलते क्या है कि ये बाहर आ रहा है निकल के, ठीक है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये वाला, ठीक है, ये एरिया को देखो आप, ये थोड़ा डार्क लग रहा है ना इसके पीछे, ठीक है, और जिसके चलते ये बाहर निकल कर आ रहा है, 3D वाला इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग भी करते हैं ये सेम कलर के साथ, आपको बस बैलेंस करके करना है। और बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ऊपर तक नहीं लेके जाना है इसको, ठीक है, यहीं पे मर्ज कर देंगे बस।
ये ऐसा समझ में आना चाहिए कि कपड़े का फोल्ड है। ठीक है, तो अभी देखो ये थोड़ा सा निकल के बाहर आया, कैसे ये हाईलाइट कैसे बाहर आ गया। ठीक है, और अब इस पे फाइनल टच के लिए थोड़ा आज हम लोग वाइट यूज कर लेंगे। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये, और अब इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं रह गया है, ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा इस पे डिटेल्स चाहिए, जो कि कलर अप्लाई करने के बाद ना थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ड्राई होने के लिए, उसके बाद ही करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट लेता है। अभी अगर हम इस पे वाइट करें ना तो शायद फैल सकता है, लेकिन रात के 2 भी बज गए, करना चाहिए। ठीक है, चलो देखो वाइट यूज कर रहे हैं आज हम लोग, आज तीसरे क्लास में थोड़ा वाइट यूज कर रहे हैं। देखो वाइट आपको यूज करना है, मैंने कहा था कि वाइट और ब्लैक यूज नहीं करना है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आप टच के लिए कर सकते हो, फाइनल टच आप वाइट या ब्लैक से निकाल सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। तो यहां पर थोड़ा चाहिए हमको, इस एरिया पे थोड़ा टच करते हैं, एंड जहां पे ये चमक रहा है ये और ये जो मैंने हाईलाइट छोड़ा है, इस पे थोड़ा सा वाइट दे देते हैं ताकि ज्यादा मजा आए, निकल कर बाहर आना चाहिए सनलाइट, और इस एरिया पे का ये बनावट समझ आना चाहिए बस। और बहुत ज्यादा वाइट आपको नहीं यूज करना है, यहां पे होगा, यहां पे जहां पे राउंड हो रहा है ना, यहां पे जरूर सनलाइट आएगा। तो ये पेंटिंग लगभग कंप्लीट है, इसके बाद क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा डिटेल छूट रहा है जो कर लेते हैं हम लोग, जैसे इसका ये वाला। ठीक है, और इस शैडो के अंदर में भी कपड़े का फोल्ड नजर आ रहा है, तो थोड़ा डार्क कलर इस तरह से यूज कर लेते हैं हम लोग। तो ये पेंटिंग हो गया कंप्लीट। अब इस पे देखो कि ये रिफरेंस देखो यहाँ पर, ठीक है, और कलर जो है ना वो कलर डिफरेंस इसलिए है कि ये अगर अगर सेम कलर के साथ मैं काम करता ना तो मुझे ब्लैक ज़्यादा यूज करना पड़ता और ब्रश याना यूज करना पड़ता, लेकिन मैंने ब्लू के साथ बनाया है। ठीक है, मैंने कुछ अपना अलग कलर बनाया है और उसके साथ इस पर अप्लाई किया है, तो थोड़ा सा इफेक्ट अलग लग रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हो पेंटिंग में कैसे यहाँ पर ये ब्राइट लग रहा है ना, ठीक है, उसको मैंने कैसे पकड़ के रखा है, ये चीज़ देखो। ठीक है, अभी जब आप पेंटिंग देखोगे ना तो आपका नज़र सीधे यहाँ पे इस एरिया पे जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने इसमें डिटेल्स किया है, बाकी चीज़ों को मैंने हाइड करके रखा है। जैसे ये सब मैंने देखो यहाँ पर, इसको मैंने वाइट जो था ना पेपर का कलर, इसको मैंने ऑफ कर दिया। अब इसको जब मैंने ऑफ किया ना तो आप सीधे नज़र यहाँ पे जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसको मैंने टच ही नहीं किया है, पेपर का कलर यहाँ पे बिल्कुल वाइट है। ठीक है, जो कि मुझे चाहिए था यहाँ पर, देखो उस जगह पे स्पीड, अब इस रिफरेंस को देखोगे ना तो आप सीधे यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने कोशिश किया इसमें लाने का, जो आपको भी करना है। ठीक है, नीचे से आपको थोड़ा सा कलर, पेपर का कलर को ऑफ करके रखना है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टच नहीं करना है आपको, इसको हाइड करके रखना है, तो ये अपने आप बाहर निकल कर आएगा आपका जो ड्राइंग होगा। तो आज सिर्फ कलर जो मैंने यूज किया है, सिर्फ कोबाल्ट ब्लू, थोड़ा सा अल्ट्रा मैरिन ब्लैक, बस ये सिर्फ 2-3 कलर ही मैंने यूज किया है,
और बाकी कोई कलर का इसमें काम नहीं है, ठीक है। अब इसको आप इंस्टाग्राम से जाकर डाउनलोड करो और काम करो, मुझे सेंड करो, मैं देखता हूँ कि कितना तक सही हो पाता है, उसके बाद मैं करेक्शन करता हूँ, ठीक है। चलो अब इसको रिमूव कर देते हैं। ये देखो ये निकालने के बाद और क्लीन लग रहा है, तो फाइनली इसका लुक कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देखो तो आज का ये था आपका रेफरेंस, और जिसको मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया आप लोगों को समझाने का, और आप लोग जरूर आई होप कि समझ गए होंगे। आप मुझे जब काम करके भेजोगे तो मुझे समझ आएगा कि आप लोगों ने कितना अच्छे से समझाया है। और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, आप जरूर अच्छा कर पाओगे, क्योंकि स्किप कर जाते हो ना तो उसमें बहुत अच्छा मेन पार्ट होता है जिसमें मैं कुछ समझा रहा होता हूँ, वो चीज़ आप मिस कर जाते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, आप बस वीडियो चलाओ और आप साथ में काम करो। अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पे ध्यान से सुनो और उसको सेम ऐसा करो, ठीक है। कोशिश करो कि मुझे सेम करना है, ठीक है, तभी इम्प्रूव हो पाएगा थोड़ा सा। अभी अब 1 घंटे का वीडियो है ना, आधे घंटे का वीडियो है, तो आप उसको 5-10 मिनट में आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है, और उलझ जाओगे। तो स्किप करके मत देखो, सीरियसली क्लास को ज्वाइन करो, 1 घंटा तक आप कंटिन्यू उसको देखो, आप देखो फिर कैसे इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मैं सोने जा रहा हूँ, कल मिलते हैं, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।